करंट की चपेट में आने से दादी की मौत, पोती झुलसी, नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा, मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। यूपी के कौशाम्बी जिले में करंट की चपेट में आने से दादी पोती गंभीर रूप से झुलस गयी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि पोती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीण डीएम को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। इंसाफ नहीं मिलने तक परिवार ने शव को उठाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हादसे की जानकारी डीएम को हुई तो वह झुलसी बच्ची से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों को बच्ची का बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पीड़ित परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही। डीएम के जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हालचाल जानने व पीड़ित परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने मृतका का शव पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करंट से घटना हुई है, गांव में करंट से जो घटना हुई है, ये खेत की बाढ़ जो है कटीले तार से किसी ने खंभे की जो तार जो ऊंची उतर के सपोर्टिंग उसमें बांध रखा था, उसमें करंट भी करने से घटना हुई। इसमें ये जो बच्ची की आजी है उसकी मृत्यु हो गई है। बच्ची के पैर में बर्न्स आए हैं, परंतु वो बच्ची की कंडीशन स्टेबल है, मशीन वगैरह हम लोगों ने करवा दी है। और क्योंकि ये निर्धन परिवार है, मैंने पता किया, वडोदरा में इसके पिताजी किसी कारखाने में काम करते हैं और इसकी माँ भी है, अभी वो गर्भवती है, वो इसलिए नहीं आ सकी है इसके साथ। और ये गरीब परिवार है, इसके 3-4 बहनें हैं, एक शायद छोटा भाई भी है। तो इसको निर्धनता को देखते हुए हम लोग जो मैंने अभी एसडीएम से पता करा, तो हम लोग इसको मोस्ट प्रॉब्ली 5 लाख रुपये की धनराशि इनके परिवार को हम हस्तांतरित कराने के लिए आज शाम तक हम लोग कर।